चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। हे गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगले बैचो तो ना क्या हूँ मैं, अब तो दो तीन दिन से लगातार ना रहा हूँ और ये अपना यहाँ इतना बन चुका है। थोड़ा मॉडिफिकेशन और होगा इसमें। रात रात में मैंने काफ़ी सारे विचार आए मेरा माइंड में और फिर मैंने काफ़ी सारे विचार फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए इसको, तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको और फिर दिखाता हूँ आपको करने के बाद, ठीक है। हालांकि सी वीडियो बन रही है साथ साथ, नो प्रॉब्लम। तो गाइस फाइनली मैंने इतना कर दिया है, ये दो बना दिए हैं और दो मेगा बनाया है मैंने उस साइड कोने में। ये सुबह ध्यान में आया और कल तो ये जो है ये इस साइड था, इसके पीछे था, फिर रात में ध्यान आया मेरे, तब जाके मैंने ये किया है। विचार इसको ठीक करने का था लेकिन अपने पास फिलहाल मटेरियल नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, क्रेशर भी नहीं है, तो ये बाद में होगा। अब ये ऐसे ही रहेगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। हालांकि ये साथ साथ हो जाता तो ठीक हो जाता लेकिन अपने पास है नहीं मटेरियल। ये कल तक सूख पाएगा, तब तक चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे रखे हैं दो दिन से, एक बार सफाई कर लेता हूँ मैं। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये मंगाया गाइस मैंने, ये A3 साइज का है, कटिंग मैट, सेल्फ हीलिंग मैट बोलते हैं इसको, जो कि अपने आप हील करता है, मतलब अपने घाव खुद भरता है। ये इस तरह का मैट है। ये मेरा मेरे ध्यान में आया था ये कम से कम भी 2 साल पहले और अब जाके आया है। ये 2 साल पहले आए थे ग्रीन ग्रीन, मैं देखा करता था यूट्यूब वीडियोज़ में कि कहाँ से मिलेगा ये, कहाँ से मिलेगा, लेकिन अब मिला है ये मेरे को। अब मेरे पास बजट इकट्ठा हुआ ना, तब जाके आया है। ये देखिए यहाँ पर इसके आगे एक लेजर लाइट है, गजब चीज़ है ये देखिए। अरे ऑन नहीं हुई, अच्छा सेल डालेंगे यहाँ पर, सेल वाली ये निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर लॉक लगा रखा है पुल, तो इसको खींचेंगे, ये देखिए लाइट ऑन हो गई ना। वाह साहब क्या जबरदस्त है भैया, जबरदस्त गाइस जबरदस्त। और इसके ऊपर नीचे है ये कैसे होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये लेवल वाली चीज़ मांगा है मैंने, ताकि फिटिंग करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि लेवल एक समान नहीं हो पाता, कभी कभी थोड़ी तिरछी हो जाती है इस तरीके से। ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत डिफेंस हो जाता है और लाइन बार बार मारनी पड़ती है, सीट से बार बार उतरना पड़ता है, इसलिए मैंने मंगाया इसको। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को। एक और चीज़ इसके अंदर ये वाली, तीन तीन चार चार चीज़ें इसके अंदर देखियो, गजब चीज़ है ना। 8 फुट का फित्ता इसके अंदर ही, देख लो देख लो, लॉक है इसके अंदर ऑटोमेटिक। पर इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये खींच ली, यार यहीं पर रुक जाएगा, बताओ ना। और ये ऐसे करते ही ऐसे, तो इसलिए मंगाया मैंने। हालांकि इसका रेट पहले 2000 के करीबन था, फिर ये 800 के करीब आया, फिर मैंने दो तीन वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बाकी रिव्यू इसका मैं अलग से बनाऊंगा एक वीडियो इसकी। ज़्यादा नीड थी इनकी इसलिए मैंने इनको मंगाया है और अपने पास बजट भी था कम से नंबर का, तो उससे मैंने इनको मंगा लिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को और जेन्युइन भी है। तो गाइस फाइनली इनका मैंने एक वीडियो बना दिया है, ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए इससे, और कुछ टेक्निक बताई हैं किस तरीके से क्या क्या है। तो हो गया है काम, अभी अपना क्या करें पता नहीं। तो गाइस मैंने ये ठीक कर दिया है अपनी रई, बोलते हैं हमारे यहाँ मथानी बोलते हैं वैसे हिंदी में, तो कैपेसिटर डाल दिया इसके अंदर मैंने 3.15 माइक्रोफेरेड का, तो उसकी वीडियो बनाई मैंने, अभी करते हैं इसको ठीक, ये रिपेयर होने आई है। A few hours later. तो गाइस 7:30 बज गए हैं और फिलहाल खाना खा के आया हूँ ऊपर, तो अभी एडिटिंग करेंगे। और रात पूरा दिन बिल्कुल कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया, और फाइनली अनबॉक्सिंग हो गई अपने प्रोडक्ट्स की। कम से कम 7, 6:30 और 7 के बीच उठ जाता है, कई सर्दी में सोने का अलग ही मज़ा है, लेट तक काफ़ी मज़ा आ जाता है। देखते हैं कल क्या होता है, क्या सीन रहेगा कल, कल छत आ जाएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं कर सकते, वैसे कोशिश रहेगी। तो आज अपना बन गया है वो चूल्हा, आरा बनाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब टाइम काफ़ी लगने वाला था और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसे मैंने अलग अलग पार्ट बनाने की सोची है। घर से बाहर निकलना टाइम नहीं मिल रहा,
कुछ बाहर एक्सप्लोर करने का। तो गाइस करेंगे जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। तो इसी लोग कंड करते हैं, अच्छा लगता है कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अह